उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्ट्रीट शीटर से छीना गया मोबाइल मांगने पर युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल घटना मोदहा थाना क्षेत्र के अरतरा गांव की है, जहां एसपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि अरतरा निवासी मनोज हिस्ट्री शीटर ने राधे श्याम का मोबाइल 2 दिन पहले छीन लिया था, जिसको लेकर राधे श्याम ने अपना मोबाइल मांगा तो हिस्ट्री शीटर मनोज ने मना कर दिया, जिससे दोनों में विवाद होने लगा। इसी विवाद पर आक्रोशित मनोज ने तमंचा निकाल कर राधे श्याम को गोली मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। गोली चलते ही आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल राधे श्याम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले मोबाइल छीना था। किसने? वही ने जिसने गोली मारी है। क्या नाम है? मनोज वर्मा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि यहाँ से अर्जी पिकर के गया है और शाम के साहब वो तके रहा तो गोली से मार दिया। कहाँ पे मारा है ये? साहब यहीं एक ऊँची नाम का डिब्बा है। गांव के अंदर है कि गांव के बाहर? गांव के बस्ती में साहब। ये क्या काम करते थे? साहब ड्राइवर हैं साहब, बाबूजी यहीं पे होंगे, यहीं कहीं हैं। मोदहा थाने के अतरा गांव में राधे श्याम का मोबाइल थाने के ही एक हिस्ट्री सीटर है मनोज द्वारा छीन लिया गया था। इसकी शिकायत वो लोग किए, इस पर आज राधे श्याम के चाचा श्री राम को मनोज द्वारा गोली मार दी गई, उनकी मृत्यु हो गई है और इस संबंध में अविलंब कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत करके दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई।